लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर डॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? किस जुर्म में? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नजर बंद। क्या मैं अपने लॉयर को? सॉरी मिस्टर डॉन, कल सुबह तक आपको मिस्टर पुरी का इंतजार करना होगा। कुछ तहकीकात के लिए आप सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। जॉन, तुम्हारी हड्डियों में इतना जोर नहीं है कि मेरी ताकत बर्दाश्त कर सकें। बताओ जॉन, ग्रोवर की अंतिम क्रिया में तुम लोग क्यों मौजूद थे? ग्रोवर। बताओ जॉन। ग्रोवर डॉन का खास आदमी था, वो मिनिस्टर रावल की हर खबर डॉन को दिया करता था। ग्रोवर को किसने मारा जॉन? किसने मारा ग्रोवर को जॉन? रावल ने। उसे ग्रोवर की गद्दारी का पता चल चुका था। डॉन को रावल से क्या दुश्मनी थी? पुरानी पुलिस फाइल निकाल कर देखिए, सारा रिकॉर्ड मालूम पड़ जाएगा। हरामजादे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। डॉन किसी जमाने में इंस्पेक्टर दयाल था। इंस्पेक्टर? काफी खूबसूरत परिंदे हैं। जी हाँ, मगर बेबस हैं। इनकी मजबूरी लोहे के पिंजरे की तरह सख्त है, मगर आजाद होते ही इनकी परवाज आसमान को चीरने लग जाती है। कहिए मिस्टर पुरी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? चंद सवालात हैं, उम्मीद है आप सही रोशनी डालेंगे। कान, इसे पहचानते हैं आप? अच्छी तस्वीर है, कौन है ये? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा गौर से देखिए। नहीं ऑफिसर, कुछ याद नहीं आ रहा। होम मिनिस्टर रावल का असिस्टेंट ग्रोवर कुछ दिनों से लापता है, जरा गौर से देखिए, शायद कोई बात, कोई मुलाकात, कोई हादसा याद आ जाए। सॉरी मिस्टर पुरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जॉन ने झूठा बयान दिया था? कैसा बयान? यही कि कल ग्रोवर की अंतिम क्रिया वगैरह का जिम्मा आपने खुद उठाया था। वाह ऑफिसर वाह, आप पुलिस वालों के डंडे की चोट अगर किसी शरीफ इंसान की कब्र पर भी पड़ जाए तो उसका मुर्दा भी कफन फाड़ कर चिल्ला उठे कि हां मैं एक मुजरिम हूं। आखिर जॉन से आपने झूठी गवाही ले ही ली, मगर मेरे साथ ये हथकंडे नहीं चलेंगे मिस्टर पुरी, कोई और तरीका अपनाइए। आप मुझे सख्ती बरतने पर मजबूर कर रहे हैं मिस्टर डॉन। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि आपकी शख्सियत को देखकर ऐसे लगता है कि आप भी उन चंद गिने चुने कानून के रखवालों में से हैं जो अपने फर्ज के लिए, अपने ईमान के लिए कुर्बान होना जानते हैं।
और जिसके एवज में आपको चंद चमकते हुए तमगे मिल जाते हैं, मेडल्स मिल जाते हैं, तरक्की हो जाती है आप लोगों की। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो ऑफिसर, ये जरूरी नहीं कि वो तमगे बांटने वाले, वो तरक्की देने वाले आप ही की तरह वफादार और ईमानदार भी हों। एग्जैक्टली मुझे तलाशी सुअर की खाल पहने उन भेड़ियों की है जो तुम हिलाते घूमते फिरते हैं मगर नजर नहीं आते। मगर समझ लो, जिस दिन मौका हाथ लग गया, बीच बाजार एक एक को घसीट कर भून डालूंगा, ये मेरा वादा है। अरे सबसे पहले बेईमानी तो तुम्हारे ही पुलिस डिपार्टमेंट में नासूर की तरफ फैली हुई है। उसे जड़ से निकाल कर फेंकने की हिम्मत है तुम में? नहीं है। अगर गोलियों से छलनी करना चाहते हो तो भून डालो उन कानून के ठेकेदारों को जो जुर्म को खत्म करने के नाम पे जुर्म को पालते हैं, गुनहगारों को पनाह देते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके घिनौने खेल में शरीक होते हैं। है हिम्मत तुम में ऑफिस? है नहीं? नहीं है तुम में वो हिम्मत, वो जोश, वो ताकत, वो जज्बा? क्योंकि तुमने अभी खुद जख्म नहीं खाया ऑफिसर, घाव नहीं छेला। जाओ और जाकर सबसे पहले जख्मी होना सीखो, फिर तड़पना सीखो, मारने से पहले मरना सीखो, अपने वजूद को मिटाकर लड़ना सीखो और फिर आना तुम मेरे पास ऑफिसर। मैं तुम्हें वो पहला मौका दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पहला वो हथियार, वो पहली गोली और सियासत की कुर्सी पर बैठा सुअर की खाल पहने वैसा ही भेड़िया दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है ऑफिसर और जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। जानना चाहोगे उस भेड़िए का नाम ऑफिसर? उस वैशी भेड़िए का नाम है होम मिनिस्टर रावल। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी सारी करतूतों का पता चल चुका है। आपने करोड़ों के माल का घपला करके अपने घिनौनेपन की पहचान दी है। आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं है। समाज के नाम पर, कानून के नाम पर एक कलंक हैं आप। बहुत खूब। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देते हुए एक मशवरा देना चाहता हूं। एक जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते तुम्हें जोश से कम और होश से ज्यादा काम लेना चाहिए। अभी तो तुम्हारी जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना है, क्यों ना ये सफर ऐशो आराम से गुजरे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा हमदर्द बन सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कुर्सी से हटा दिए जाओगे। शट अप! अरे तुझ जैसे घटिया और कमजोर इंसान की हालत एक पागल कुत्ते की तरह हो जाती है, ना घर का ना घाट का। मारे मारे तुम हिलाते फिरोगे, फिर भी रहम की रोटी नहीं मिलेगी। ये बात तू ऊंची कुर्सी पर बैठकर ये सोच रहा है कि मेरा चांटा तेरे मुंह तक कभी नहीं पहुंच सकता, है ना? ये बेईमानी के मुंह पर ईमानदारी की पहली चोट है मिनिस्टर, इसे याद रख। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। बोल भाई कैसे हो? ठीक है ठीक है। रोजी हमारा कोटा लाओ। रोजी सोला आना। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ? मुझे नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ है? विजय कुमार कहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। विजय कुमार कहाँ? विजय कुमार बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। सेंट माइकल की बस्ती में सनी विला के पास
पुराने चर्च में उसे छुपा रखा। कानून की आंखों में तुमने बहुत धूल झोंक ली जकी। अब ये खेल खत्म करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दाद देता हूं सर कि आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो चुका है। हर मुजरिम इसी गलत फहमी का शिकार होता है। मैं मुजरिम नहीं हूं। इसका फैसला कानून करेगा। कौन सा कानून? आपके कानून के हाथ तो किसी मासूम के खून से रंगे हुए हैं। खोखला और बेबुनियाद है आपका कानून। मेरा रास्ता छोड़ दो ऑफिसर और अपने गिरते हुए कानून को सहारा दो। कानून किसी सहारे का मोहताज नहीं है जैकी, और इसका सबूत तुम्हें अभी इसी वक्त मिल जाएगा। आ! 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 आ!